हाल ही में WHO ने गरीब देशों के लिए वैक्सीन की मांग की है। WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस का मानना है कि गरीब देशों में वैक्सीन की किल्लत की वजह से वहां के लोग असुरक्षित हैं। अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने गरीब देशों में वैक्सीन की किल्लत पर क्या कुछ कहा है। डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट कम से कम 85 देशों में फैल रहा है, वहीं गरीब देशों में टीके की कमी इसके खतरे को और बढ़ा रही है। अफ्रीका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते यहां कोरोना के मामले और मौतें करीब 40% तक बढ़ चुकी हैं। वहीं WHO चीफ के वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस एलवॉर्ड ने बताया कि कई देश तो ऐसे हैं जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन का एक डोज दिए जाने के बाद दूसरे डोज की कमी हो गई। इसको दूर करने के लिए भारत सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए मदद मांगी गई है। ब्रूस एलवॉर्ड ने बताया कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के देशों में वैक्सीन की ज्यादा किल्लत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि WHO की इस मांग के बाद क्या अमीर देश गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे या फिर नहीं।